थे, और पापा ने कहा यार तुम दिल्ली में मेरी तनख्वाह जो है वो जाया कर रहे हो भैया, ये पढ़ाई लिखाई तुम कर नहीं रहे, तुम तो कैंटीन बैठे रहते हो, तुम नाटक करते हो। नाटक जो है मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मेरे दिल को बहुत सुकून दे रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। एक फिल्म डायरेक्टर आते थे, उनसे मैंने किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके दोस्ती कर ली और उनको कहा कि मैं आपकी फिल्म में काम करना चाह रहा हूं। और जब ये बात मैंने अपनी बॉस को बताई, अब मैं ये सुन चुका था कि ये बंबई वाले जो है ना, ये इनकी बात पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये छोटे शहर में फिल्म के प्रोडक्शन पे ये दिल्ली वाले लड़के को बोला बंबई आ जाओ, और जब बंबई हम पहुंचेंगे तो कोई हमारी शक्ल नहीं पहचानेगा। तो मुझे हल्का सा वो एक था इनसिक्योरिटी। कुछ ही सालों बाद हम बिल्कुल अटूट रिश्ते में हो गए, बन गए, लेकिन क्या कहें, वो रिश्ता फिर खत्म भी हो गया, और खत्म हो गया। और उसका उसका जो मेन श्रेय है, मतलब देखो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिसने ताली बजाने की शुरुआत की, मैं बोला भाई आशु ये क्या तुम लोग फुसफुस कर रहे हो, कहते नहीं वो निकोल बोल रही है कि तू तो बहुत गोरा है। मैंने कहा निकोल को बोलना जरा हीरो की तरफ देख ले, वो भी गोरा है। अब मुझे बड़ा बुरा लगा, साले मुझे बोल रहे हो, आमिर को नहीं बोल रहे तुम लोग। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, स्वाधिका। मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का खास सेगमेंट जिसका नाम है लेट्स टॉक। दोस्तों, लेट्स टॉक में हम आपको रूबरू करवाते हैं सिनेमा जगत की कुछ खास हस्तियों का जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक खास मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक ऐसी मुहिम जो नए फिल्मकारों को मौका देता है अपनी फिल्मों को सही दर्शकों तक पहुंचाने का। और इस मुहिम का आगाज किया है प्रतिभा सुमन शर्मा जी ने, जो कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनका साथ देते हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यशपाल शर्मा जी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फिल्मों को सही दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। और दोस्तों, कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो किसी बड़े कार्य को करने के लिए कुछ खास लोगों का खास योगदान होता है। और इसी तरीके से बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को साकार करने के लिए हमारे पार्टनर्स का खास योगदान है। वो हमारे पार्टनर्स हैं पहल फाउंडेशन, यश विद्या फिल्म, फाइन ग्रेन फिल्म, फिल्म प्रीवे, फास्ट होम, WFCN, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूं कि आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के गेस्ट का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे गेस्ट जो कि 4 फरवरी 1961 का कश्मीरी पंडित की परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, और स्कूल के दौरान ही वो ये तय कर लेते हैं कि उन्हें एक्टर बनना है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। थिएटर से उनकी शुरुआत होती है और एक मौका ऐसा आता है जब वो फिल्मी दुनिया में एंटर करते हैं, और लगान, अब तक 56, राम जी लंदन वाले जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की जाने माने अभिनेता राज दुत्सी जी की। तो चलिए देर ना करते हुए उनको बुलाते हैं और हमारे शो में उनका स्वागत करते हैं। राज दुत्सी जी, तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बड़ा बढ़िया लग रहा है सुन के, आपका इंट्रोडक्शन सुना बड़ा अच्छा लगा, बढ़िया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यशपाल शर्मा जी के छत्र छाया में और आप लोग के साथ ये बढ़िया बातचीत करने जा रहा हूँ। नमस्कार। जी सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपके चेहरे पर जो एक पॉजिटिविटी है सर, वो एक अलग ही अपनी बस जलवा बिखेरती है हर तरफ। जब भी आपसे मुलाकात होती है तो मेरा दिन बन जाता है। और जैसे ही आज मुझे मॉर्निंग से पूरी रात, तो मैं वैसे भी सो नहीं पाया एक्साइटमेंट के मारे में, और जब मैं सुबह सुबह चाय बना रहा था और मैं थोड़ा सा रिहर्स कर रहा था कि मुझे राज सर का इंटरव्यू करना है, तो उस दौरान मैं चीनी डालना भूल गया सर। बिल्कुल कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया। गर्मी, हिंदुस्तान की प्यारी गर्मी जूझ रहे हैं आजकल, और इंतजार हो रहा है कि पहली पहली बारिश कब आएगी हम सबको, हमारे सबको मन को शांत करने के लिए। गर्मी तो जी हाँ, हमें जबरदस्त होती है। या
उसकी तो हमें आदत है, लेकिन हम लोग हर साल इंतजार करते हैं कि भाई ये खत्म कब होगी, बारिश कब आएगी, हमें राहत कब मिलेगी, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हमारे दर्शकों को राहत मिल चुकी है सर, क्योंकि वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपसे रूबरू होने का, आपकी लाइफ के बारे में जानने का, तो उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और उनको जो है राहत मिल चुकी है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ आपके सुनहरे दिनों में, यानी कि आपके बचपन में, जब एक मासूमियत का दौर होता है और बड़े बड़े सपने होते हैं और बस मतलब जो जिंदगी की जो टेंशन भरी लाइफ होती है उससे हम कोसों दूर होते हैं। तो मैं आप बचपन पे थोड़ा सा एक सरसरी निगाह डाली कि जब आपका बचपन कैसा था, आपका जन्म दिल्ली में हुआ और पारिवारिक माहौल कैसा था सर? पारिवारिक माहौल जो है वो बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ पे आर्ट्स और कल्चर जो है वो ऑलरेडी था। मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही कि बचपन से ही मेरा अदब से एक रिश्ता रहा, इवन दो मैं छोटा बच्चा था, लेकिन बड़ी जल्दी पापा मम्मी अम्मा जो है वो भी समझ गए कि यार ये लड़के को बड़ा मजा आ रहा है कविता बोलने में, स्टेज पे खड़ा होके सबके सामने ये गाता रहता है, कविता बोलता है, और बड़ी यंग उम्र में इसको बिल्कुल भी झिझक नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो दो क्वालिटीज जो थी वो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया कि लैक ऑफ शर्म और लैक ऑफ झिझक बचपन से ही, और प्रोत्साहन मिला माता पिता से और परिवार से, तो फिर देन थोड़ा मामला सोने पे सुहागा टाइप हो जाता है। तो हम बचपन से इस राह पे निकल लिए। यानी कि जो एक आम परिवार में अगर देखा जाए तो ये रहता है कि जब कोई बच्चा अगर कहीं ना कहीं आर्टिस्ट लाइन में जाने की बात करता है, एक्टर या सिंगर बनने की बात करता है, तो अक्सर उसे या तो डांट दिया जाता है या कहते हैं कि अरे तू हीरो बनेगा क्या या तू एक्टर बनेगा क्या, उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन आपकी वाकई में एक खुशकिस्मती रही कि आपका जो पारिवारिक माहौल ही इतना अच्छा था कि मतलब बचपन से ही आपको शेर व शायरी, एक्टिंग और वो चीजें देखने को मिली। तो अब जब अच्छी बात है कि आपकी शुरुआत तो हो ही गई थी, जब आपने मतलब आपके जहन में ये कब आया कि अब तो मुझे जो है शेर व शायरी कविताएं आप करने लग गए थे स्टेज पर, आपके जहन में ये कब आया कि अब तो मुझे एक्टर ही बनना है? मैं आपको एक बात सच कहूं कि 5-6 साल की उम्र से मैं शुरू हो गया था स्टेज पे आना, लेकिन मेरे मन में ये काफी लेट ख्याल आया, उत्पन्न हुआ कि यार मुझे प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहिए। तो स्कूल में मैं ऑल थ्रू एक्टिंग करता रहा, हर स्कूल में मैंने एक्टिंग की, हर क्लास में मैंने एक्टिंग की, हाउस प्लेस किए, स्कूल प्लेस किए, तो वो एक बन रहा था अपने आप से, एक किला बन रहा था जो मुझे मालूम भी नहीं है कि ये किला बन रहा है और मुझे प्रिपेयर कर रहा है। फिर मैं कॉलेज में आया, हमने अपने नाटक वाटक कॉलेज में भी किए और बड़े मस्त मौला टाइप जिंदगी हमने बिताई। कॉलेज खत्म हुआ उसके बाद हमारे पापा जो है वो हैदराबाद में पोस्टेड थे, और पापा ने कहा यार तुम दिल्ली में मेरी तनख्वाह जो है वो जाया कर रहे हो भैया, ये पढ़ाई लिखाई तुम कर नहीं रहे, तुम तो कैंटीन बैठे रहते हो, तुम नाटक करते हो, तो भाई मतलब मेरे हार्ड अर्न मनी को तुम उसको इस तरह जाया ना करो, तुम हैदराबाद आ जाओ, यहाँ देखो क्या होता है लाइफ में। मैं हैदराबाद पहुंचा साहब, और वहां सबसे पहली तो मेरी यही तमन्ना थी कि अच्छा यहाँ थिएटर ग्रुप कहाँ है, मैं जाके ज्वाइन करूँ थिएटर ग्रुप। मैंने जाके थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, तो मुझे तब लगा कि यार ये नाटक जो है मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मेरे दिल को बहुत सुकून दे रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। फिर मैं एडवर्टाइजिंग में नौकरी करने लगा बैंगलोर में, लेकिन वहां भी एक फिल्म डायरेक्टर आते थे, उनसे मैंने किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके दोस्ती कर ली और उनको कहा कि मैं आपकी फिल्म में काम करना चाह रहा हूं। और जब ये बात मैंने अपनी बॉस को बताई तो कहती तुम्हारी नौकरी कौन करेगा, यहाँ तुम्हारी नौकरी कौन करेगा? अब देखिए साहब जवानी में यही होता है। तो मैंने उनकी तरफ देखा, एक सेकंड का पॉज लिया, मैंने कहा मेरे बॉस कर लेंगे, मतलब बिटवीन द हेड बॉस एंड मी देयर वाज वन अदर बॉस, मैंने कहा वो कर लेंगे। कहता आपने उनसे पूछा? नहीं पूछा तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा। कहते क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हर एक की अपनी अपनी नौकरी फिक्स्ड है, ऐसे नहीं हो जाएगा। खैर टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने कहा देखिए अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे फिल्म के लिए तो बाय बाय, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। मैं चला गया वो फिल्म करने तो मैं बहुत जल्दी उस फिल्म के अंदर मैंने प्रोडक्शन किया, और फिर
वहां मुझे नाना पाटेकर साहब ने एक दिन कहा, कहते भाई तुम ये, मैं बैंगलोर में, मैंने बताया मैं था एडवर्टाइजिंग में, कहते भाई तुम बैंगलोर क्या कर रहे हो, तुम बॉम्बे में क्यों नहीं हो। अब मैं ये सुन चुका था कि ये बंबई वाले जो है ना, ये इनकी बात पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये छोटे शहर में फिल्म के प्रोडक्शन पे ये दिल्ली वाले लड़के को बोला बंबई आ जाओ, और जब बंबई हम पहुंचेंगे तो कोई हमारी शक्ल नहीं पहचानेगा। तो मैं, मुझे हल्का सा वो एक था इनसिक्योरिटी। मैंने पूछा नाना को, मैं बोला यार नाना देखो सच बात में तुम्हें ये बताओ, ये आप लोग कह तो देते हैं बंबई आ जाओ, लेकिन बंबई मतलब बड़ा शहर है, अनजान शहर है मेरे लिए, और हालांकि मैं कलाकार हूं लेकिन इतना आसान नहीं है ना बंबई। तो कहते देखो अगर तुम्हें क्लैरिटी है कि तुम्हें क्या करना है तो तुम अभी जवान हो यार, कोई भी शहर ना तो अच्छा है ना बुरा है, अगर तुम्हें क्लैरिटी है तो बात हो जाएगी। और मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम बंबई आओ, मैं तुमको नौकरी वोकरी दिलवाता हूँ। अब मैंने सोचने लगा कि हाँ यार बंबई तो जाना चाहिए मुझे, मुझे अब अगला पड़ाव मेरे मन में फिक्स हो गया, अब मुझे बंबई जाना है। और मैं झट ट्रेन पकड़ के सर बंबई आ गया। यहाँ एक हमारे मित्र थे स्कूल के, वो भी कमाल की बात है आज नहीं है, बहुत मेरा गहरा दोस्त था स्कूल का, उसके घर में मैं आके रहा और पहले ही दिन मैं नाना को जाके मिलाया। खैर मैं नाना के घर पहुंचा और नाना जो है उस वक्त फिल्म कर रहे थे अंकुश, और बोला कि मैं एक रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूं, अगर तुम चलना चाहो तो चलो। मैंने कहा चलो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। वहां मैं एन चंद्रा साहब को मिला, नाना ने मुझे बुलवाया, चंदू राज कलाकार है। चंदू साहब ने मुझे देखा, एन चंद्रा साहब, चंद्र नार्वेकर जी, बोला चश्मे को यूं करते हैं, क्या किया है आपने? मैंने कहा जी मैं थिएटर वेटर किया है दिल्ली में और कई साल किया है, बचपन से किया है। अच्छा नाना ठीक है, तो नाना ठीक है, मैं अपनी नौकरी लग गई और मैं थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया और वहां से जीवन की एक नई शुरुआत हुई। उसी दौरान एक दिल्ली के हमारे पुराने मित्र घूमते घामते आ गए और कहते हैं यार एक ये डायरेक्टर केतन मेहता नाम सुना है? मैंने कहा जिन्होंने वो एक फिल्म गुजरात में बनी थी भवनी भवाई, वो बनाई है? हाँ हाँ हाँ, चलो तुम तो सुना हुआ है तुमने उनका नाम, तो उनकी अगली फिल्म है स्टूडेंट्स के बारे में, कॉलेज के अंदर सेट है, पूना में शूटिंग होगी, उसका नाम है होली। तो एक काम करो, ये लो पता, ये लो फोन नंबर, पहुंच जाओ भैया और जाके ऑडिशन दे दो। वहां मैं पहुंचा, मुझे एक ये मेमोरी है, मैं स्टेशन से उतर के अपने ए रोड बी रोड ढूंढते हुए, पता ढूंढते हुए जा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं एक यंग मैन आ रहा है जिसने सर पे एक बैम्बू टाइप की टोपी पहनी है, बैम्बू से बनी, छोटे छोटे बाल हैं और वो आ रहा है। तो मैंने साहब को रोका, मैंने कहा भाई साहब ये इंटरनेशनल हॉस्टल का है? तो कहते यही तो है पीछे, मैं वहीं से तो आ रहा हूं। मैंने कहा यार मुझे भी वहां जाना है, वहां सुना है केतन मेहता है डायरेक्टर, वो ऑडिशन ले रहे हैं। तो वो लड़के ने मुझे कहा होली फिल्म के लिए? मैंने कहा हाँ होली फिल्म के लिए। मैंने कहा क्यों तुम भी ऑडिशन के लिए आए हो? कहता हाँ मैं अभी देख के आ रहा हूं, मेरा हो गया। मैंने कहा अच्छा, माय नेम इज राज यार। कहते माय नेम इज आमिर। मैंने कहा अच्छा आमिर, ओके ओके। मैंने कहा मैंने आमिर कभी नाम नहीं सुना। कहते हाँ माय नेम इज आमिर, तो गुड लक यार, तुमको भी गुड लक। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। मैं सर ऊपर चला गया, केतन मेहता साहब से हेलो हाय की, मेरा नंबर जब आया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ उस तरह के चेहरे बना दिए। अरे एज एन एक्टर, तो मैंने कहा ये तो रोल नहीं मिल रहा मुझे। और मुझे कहते हैं जो बैल्कनी है, जो बैल्कनी है बाहर, आप जरा बैल्कनी में खड़े हो जाइए। बैल्कनी में चला गया, एक सिगरेट पी रहा था तो देखा कि मोहन गोखले जो कलाकार है वो भी एंटर हुए और वो केतन के साथ पहले काम कर चुके थे भवनी भवाई एटसेट्रा में, केतन के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। केतन को आए गले वले मिले, फिर सडनली मेरी तरफ देखने लगा, मोहन देखने लगे बैल्कनी में। अच्छा मेरा नेचुरल टेंडेंसी कि मैं नया नया आया हूँ भैया शहर में, सबसे प्यार से लो, तो मैं एक स्माइल दे दी, मैंने स्माइल दे दी, उसने भी स्माइल दे दी। अब तो मैंने कहा कुछ बात बन रही भैया, कहीं हम पहुंच रहे हैं तो मैं स्माइल ही देते रहा। थोड़ी देर बाद कुछ मैंने देखा कि वो केतन से फुसफुस कर रहा है और सडनली केतन ने मुझे बुलाया, कम इन। मैं साहब पहुंचा अंदर तो कहते हैं आई लाइक समथिंग अबाउट यू।
हम जा रहे हैं पूना 2-4 दिन में, आप भी आइए हमारे साथ। मैंने कहा मतलब मुझे रोल मिल गया है? कहते हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम सारे एक्टर्स को ले जा रहे हैं, वहां जाके हम एक वर्कशॉप करेंगे और जो हमें ठीक लगते हैं उनको हम रोल उस हिसाब से देंगे। अब तो सर मतलब कोई बात ही नहीं थी, एक फिल्म के बाद हमें दूसरी फिल्म मिल गई। हमारा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस यहाँ मतलब छाती चौड़ी, मतलब फुल ऑन छाती चौड़ी, बहुत खुश। घर में सबको बता दिया कि भाई बंबई में खाली झाड़ू करने नहीं गया हूँ, काम वाम भी मिल रहा है, और एक फिल्म कर लिए, अब दूसरी तो फिल्म भी उसके लिए जाने वाला हूँ। तो सर वहां हमको दूसरी फिल्म मिल गई, हम आए। वो जो मैंने आमिर नाम कहा था, वो आज के बहुत बड़े सितारे आमिर खान साहब हैं। सबसे पहली जो फिल्म मेरी बड़ी फिल्म, एक्चुअली वो बड़ी फिल्म हो गई, रिलीज हुई, वो कयामत से कयामत तक बनी। होली भी बाद में जो हम करने गए थे, जहां मेरी आमिर और सबसे मुलाकात हुई, वो भी बाद में रिलीज हुई, और वो भी टेलीविजन पे पहले आई थी, फिर आई थिंक वो थिएट्रिकल उसको रिलीज मिला था। तो खैर वहां से जर्नी शुरू हो गई। अब तक तो एक्टिंग में बे इंतहा मजे आ रहे थे। शुरू शुरू में थोड़ी शर्म भी आती कहने में कि मैं एक्टर हूं, क्योंकि ये यशपाल वगैरह तो ये लोग फिल्म इंस्टीट्यूट, अपना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बिल्कुल वगैरह, यू नो, बाकायदा पढ़े हैं, तो इनके परिवारों को मालूम है कि भाई बच्चा हमारा एक्टर बनने जा रहा है। लेकिन हम तो सडनली बन गए थे, हमारा एक थिएटर बैकग्राउंड था, अवश्य था, लेकिन ये जो प्रोफेशनली हम एक्टर बनने चाह रहे थे, वो तो अब हमने लोगों को बोलना शुरू किया था कि हाँ भाई हम एक्टर हैं। और शुरू शुरू में कुछ काम वाम तो है नहीं समीर, और माँ बाप से पूछते हैं, हाँ भाई तो राजू क्या कर रहा है आजकल? अब माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर माँ बाप लड़के की शक्ल देखते हैं कि बा अब इसका जवाब दो। तो मैं बड़े झिझक और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस वैसे बहुत था लेकिन इस तरह के सवालों का जवाब देने में बहुत कम। अंकल मैं एक्टर हूं। एक्टर कहाँ कहाँ एक्टिंग करते हो? मतलब यहीं पे फिल्म्स, थिएटर। अच्छा, देखा नहीं है ना कभी तुम्हें? एक्टर तो दिखना चाहिए, तुम्हें कभी देखा नहीं तो इसलिए पूछ रहे थे। अच्छा सर, ये तो रही प्रोफेशनल लाइफ, आपने बताया कि जो है एज एन एक्टर के तौर पर आपकी जर्नी शुरू हो चुकी, चाहे वो थिएटर हो चाहे फिल्म हो, दोनों तरफ से आप हर जगह दिखाई भी देने लगे थे, और जो रिलेटिव्स हैं और घर वाले उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छा काम कर रहा है। तो अंकुश की बात हो रही थी, अंकुश के दौरान आपकी जिंदगी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसमें आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया था, आपकी लाइफ में रोमांस आया था और आप जो है खान परिवार के दामाद बन गए, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बच के निकले, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी रोशनी उस पर भी जरूर डालें। नहीं, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं हुआ था, इतनी जल्दी हमारा रोमांस नहीं हुआ था अंकुश के टाइम। नहीं, ये रोमांस हुआ है कयामत से कयामत तक के टाइम में। कयामत से कयामत तक जब हम शूट कर रहे थे तो वहां हमारा रोमांस हुआ। देखिए रोमांस और पर्सनल लाइफ, अब मेरा डिवोर्स हो गया, कई कई साल हो गए, तो बहुत ज्यादा भी मैं विदाउट, जो हमारी लेडी लव थी उनकी परमिशन के बगैर, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इसके बारे में ज्यादा बात करूं। लेकिन हाँ थोड़ी बात तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो रोमांस हुआ, और वो रोमांस शुरू हुआ शूटिंग के थोड़ा पहले। शुरुआत जो रही हो, मतलब आगाज जो होता है मोहब्बत आगाज का, जो वो हुआ, आप वो आगाज हुआ बंबई में कॉस्ट्यूम शॉपिंग के दौरान, क्योंकि जो हमारी लेडी लव थी वो कॉस्ट्यूम भी कर रही थी, वो आमिर साहब की बहन भी थी, कजिन भी थी, और कॉस्ट्यूम में हमें मौका मिला कि आमिर और मेरी दो लोगों की कॉस्ट्यूम करने में, और मेरे ख्याल मेरे कॉस्ट्यूम में आमिर ज्यादा वक्त स्पेंड किया गया। क्योंकि आई एम श्योर मोहतरमा को भी मैं पसंद आया, और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था कि मेरे इतने सारे कपड़े बन रहे हैं पिक्चर के अंदर, हर रोज हम लोग कॉस्ट्यूम शॉपिंग करने जा रहे हैं, और हमें मौका मिल रहा है कि हम दोनों समय बिताएं एक दूसरे के साथ, खाने खाएं, गोलगप्पे खाएं, आइसक्रीमें खाएं, कुल्फियां खाएं। और ये कुल्फी और गोलगप्पे खाते खाते एक बड़ा बढ़िया इश्क जो है वो डेवलप हो गया,
फिर हम ऊटी पहुंचे शूटिंग करने, बिकॉज पहला शेड्यूल कयामत से कयामत तक का ऊटी में था। और कमाल की बात ये कि दो लोग इश्क में हैं, लव में, अभी अभी आगाज बिल्कुल हुआ है और बड़े मजे आ रहे हैं जीवन में। और कोशिश ये है कि आमिर और आमिर के ब्रदर फैसल के अलावा किसी को पता ना चले कि यहाँ इश्क हो रहा है। अरे लेकिन ये इश्क करने वालों की नादानियां होती हैं कि किसी को पता ना चले। पूरे सेट पर सबको पता होगा कि इन दोनों का चल रहा है कुछ। सोच ये रहे कि किसी को मालूम नहीं है सेट पे, और ये इश्क चल रहा है बिल्कुल शांति से, और एक्चुअली सबको मालूम था, सबको जाहिर हो गई ये बात कि देखो जब क्या होता है कि जब दो लोग इश्क में होते हैं तो वो एक फीलिंग ऐसी है कि सबको पता लग जाती है, उसको आप छुपा नहीं सकते। आपके जो अंदर की एक ओह सब तरफ तो मतलब फूल खिल रहे हैं अंदर, और वो फूल खिलना जो है वो आप रोक नहीं सकते हैं। तो सर इश्क चला बहुत बढ़िया, और फिर उसके कुछ ही सालों बाद हम बिल्कुल अटूट रिश्ते में हो गए, बंध गए। लेकिन क्या कहें, वो रिश्ता फिर खत्म भी हो गया, और खत्म हो गया। और उसका उसका जो मेन श्रेय है, मतलब देखो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिसने ताली बजाने की शुरुआत की वो मैं था। इन द सेंस कि मैं इनसिक्योर हो गया था अपने करियर को लेके, और मुझे कुछ इनसिक्योरिटी हो रही थी कि मैंने पैसे ज्यादा नहीं कमाए हैं, मैं काम में कम इंटरेस्ट डू, मैं रोमांस में ही खुश हूं। मेरा जीवन, शादी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको रोज, जैसे हम पौधा लगाते हैं उस पौधे को हमें रोज पानी देना होता है, तो वैसे ही शादी जैसा एक बड़ा कमिटमेंट, एक रिलेशनशिप, वो ऐसी चीज है कि उसमें रोज पानी डालना चाहिए। जब तक आप रोज पानी नहीं छिड़केंगे तब तक वो फिर कैसे, वो कैसे जीवित रहेगा रिश्ता। और मुझे कभी कभी लगता है कि एटलीस्ट ये 20-30 साल पहले के मर्दों की मैं बात कर रहा हूं, कि हमें ऐसा लगता था कि जो हमारा मेन बैटल है जीवन से वो बाहर है, अपने बाहर है, और हमें हमें ये होता था कि हम अपने बाहर कैसे फतेह करें, कैसे मैं नौकरी में अच्छा करूं, कैसे मैं समाज में लोग मेरी इज्जत करें, कैसे मेरा बैंक बैलेंस हो, वो सब अपने से बाहर होता है। और मुझे लगता है लेडीज जो होती है ना, उनको एक इनबिल्ट सेंस होता है कि जो जीवन की जंग है ना वो अंदर से है, अपने अंदर से। और एज ए जेंट्स मुझे ये बात बड़ी देर बाद समझ में आई। मैं कभी कभी अपने जेंट्स दोस्तों को ये बोलता था, यार ये सारे मजाक जो होते हैं ये बीवियों को लेके क्यों है यार, मर्दों को अपने हस्बैंड्स को लेके क्यों नहीं कोई मजाक है, सारे जो मजाक है वो बेचारी बीवियों के ऊपर है, ऐसा मत करो यार। तू कहते थे मुझे तुझे बड़ा मजा आ रहा है अपनी शादी में, मैंने कहा हाँ यार मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ शादी में, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यार जब हम मिले तो वाइफ्स के ऊपर ये ताने वाने कसो, यार हो गया यार, लेट अस बिकम मेच्योर मेन। तो उस तरह के ख्याल भी रहे ये तो मेरे। ऐसे ही एक फिल्म थी जिसका आपने अभी हाल ही में जिक्र किया, लगान, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स थे, जिसमें यशपाल सर थे, जिसमें आप थे, आमिर साहब थे, मिश्रा जी थे, एकदम अखिलेंद्र मिश्रा थे, अखिलेंद्र राइट? मिश्रा साहब, राजेश विवेक साहब, रघुवीर यादव साहब, हमारे प्रदीप साहब, हमारे अमीन हाजी साहब, आदित्य लाखे साहब, हमारे दया शंकर पांडे जी, एक से एक हमारे कलाकार थे उसके अंदर, बड़े उच्च कोटि के कलाकार आशुतोष गोवारिकर साहब ने चूज किए। और जी उसमें हमारी लगान टीम में अगर 11 लोग होते हैं टीम में, तो 11 में से शायद 6 या 7 तो हम थिएटर वाले थे, और जब हम थिएटर वाले एक साथ हो जाते हैं तो फिर एक पागलपन जो है वो एक अलग लेवल का होता है, एक अलग लेवल का होता है, बिकॉज हमें तो अपने काम से प्रेम है, हमें तो काम से प्रेम है सर बिल्कुल। और वो आप, वो हम बात छुपाते नहीं है, वो हम अपना एक्साइटमेंट
अपने साथ लेके चलते हैं, हर रोज हर रोज हम अपने साथ लेके चलते हैं। लगान तो कमाल का एक्सपीरियंस रहा, 30-40 उसके अंदर विदेशी इंग्लैंड के एक्टर्स थे, वो भी हम लोगों के साथ रहते थे। प्रोडक्शन ने बड़ा अच्छा किया था कि भुज में इतने बड़ा तो कोई होटल नहीं था जिसमें 100-150-200 लोग रह लें, तो उन्होंने बांट दिए थे, बटा हुआ था पूरा यूनिट, और जो हम लोग तकरीबन 100-125 लोग थे वो एक बिल्डिंग में रहते थे, और वो गोल उसका आकार था, और सब अपनी बैल्कनी से निकलते थे, तो मैं सामने के कमरे मुझे कोई दिख रहा है, साइड के कमरे में कोई दिख रहा है, नीचे कोई दिख रहा है, ऊपर कोई दिख रहा है, तो हमारी बातचीतें ऐसी होती, हाँ भाई आमिर सुनो, हाँ भाई नीचे कचरा सुन, ऐसे तो हमारी बात होती थी, यू नो, कुछ एक अजीब सा माहौल, एक बहुत ही सुंदर माहौल। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरी जो यूनिट है वो मतलब करीब 1.5-2 महीने के लिए एक जगह पर इकट्ठा है, और फिल्म शूट होने से पहले कुछ टाइम तक वहां पर आमिर साहब ने या ग्वारिकर साहब ने पूरी टीम को रोका गया था कि आप उस माहौल में ढल जाए। तो उस वक्त क्या ख्याल आ रहे थे कि यार ऐसे गर्मी के माहौल में हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, क्या करवाया जा रहा है, उस वक्त क्या ख्याल आता था? नहीं देखिए, असल में मैं आपको शुरू से बताता हूँ, तो लगान का क्या था कि 15 अगस्त 1999 हमें आमिर खान प्रोडक्शन से कॉल आ चुका था और हमारा ऑडिशन हो चुका था। 15 अगस्त 1999 तक हमारा ऑडिशन हो चुका था। 15 अगस्त में तारीख आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि उस दिन हमें जो चूज किए हुए थे एक्टर्स पर्टिकुलर रोल्स के लिए, मेन रोल्स के लिए, इंपॉर्टेंट किरदारों के लिए, उन सबको बुलाया गया था, क्योंकि आशुतोष ग्वारिकर ने उस दिन हम सबको 3-3.5-4 घंटे लेके स्क्रिप्ट सुनाई। आशु ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, और आशु खुद एक्टर है, तो अगर वो अंग्रेज का बॉल की लाइन बोलेगा तो वो ऐसे बोलेगा, अखिलेंद्र मिश्रा की बोलेगा तो ऐसी बोलेगा, यशपाल की बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, तो आशु ने हमको ये पूरे नाटकीय तरीके से पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। और तब तक प्रोडक्शन लोकेशन जाके पेड़, 1-1.5 पेड़ वो लगाने थे, गांव बनाना था, उनकी वो प्रक्रिया चालू थी, तो वो मल्टीटास्किंग चल रही थी। एक तरफ एक्टर्स हर संडे टाइप मिल रहे थे आमिर के घर में, और हम लोग स्क्रिप्ट रिहर्स कर रहे थे, अगर कोई भी हमें सजेशन देना होता था अपने कैरेक्टर को लेके, तो हम वो उन 6 महीनों में हम वो सजेशन दे के, सो दैट बाय द टाइम हम सेट पे पहुंचे मामला बिल्कुल पुख्ता हो जाए, और मामला बिल्कुल पुख्ता हो गया था, क्योंकि 6 महीने हर हफ्ते तकरीबन आमिर भी कई दफा आया, ऑलमोस्ट ऑल रिहर्सल्स के लिए आमिर भी आया, और हम लोग हम एक्टर्स ने रिहर्स करके हम एक पड़ाव पे ऑलरेडी पहुंच गए थे। एक भी दिन शूटिंग का नहीं हुआ था, लेकिन हमें समझ आ गई थी अपने कैरेक्टर्स के बारे में, और स्क्रिप्ट में हम सबका खूब सारा काम था, तो हम सबको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो वो मामला चाहिए था। आपने बताया 2 महीने, असल में 2 महीने नहीं, हम लोग पहुंचे हैं भुज 2 जनवरी 2000, ओके, शूटिंग शुरू हुई है 7 तारीख को, सो 2 तारीख को जब हम पहुंचे, हम इमीडिएटली अपने जहां हम ठहरे थे वहां गए, सामान रखा, मुंह हाथ धोया, और हम लोकेशन पे आ गए। लोकेशन पे आ गए, गांव नया नया तैयार हुआ था, और इतना नया था कि जानवरों ने अपनी बीट भी नहीं की थी, तो हमको लगा यार ये बड़ा साफ सुथरा सा गांव है, इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ क्या मिसिंग है ये किसी को नहीं समझ आ रहा था, लेकिन बड़ा साफ लग रहा है जी। तब तक पहले दिन बकरियां वकरियां भी आ गई, और गाय बैल भी आ गए, और जानवर भी आ गए गांव में, और जब जानवर आ गए तो फिर बीट भी आ गई, और मतलब फिर जब हम सेकेंड डे पहुंचे तो हमको लगा हाँ ये मामला अब रियल है, कहीं बीट पड़ी हुई है, कहीं उपले बन रहे हैं, ये मामला सडनली जो है एकदम रियल हो गया। 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख और 7 तारीख, ये 6-7 दिन हमें प्रोडक्शन ने बोला आप लोग गांव जाइए और गांव के हो जाइए, आप लोग सब एक ही गांव के रहने वाले लोग हैं, आप इस्माइल हैं, लेकिन कचरे को, भुवन को, मिश्रा जी को, अर्जन को, परजन को, आप सबको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप एक ही गांव में रहने वाले हैं,
तो फिर ये 6-7 दिन में हमने एक साथ एक्टिविटीज की। अब मैं जैसे कुम्हार बना था तो मुझे वो कुम्हार का जो जो व्हील होता है, चक्का होता है, वो दिखा दिया गया, वो जगह दिखा दी गई। पहले दिन से मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई कि कैसे मिट्टी को गूंथते हैं और कैसे वो चक्का चलता है। वो सब चीजें हर रोज मैं जाके करता था। इनफैक्ट ये बड़ी एक कमाल की बात है कि हम तो उस तरह के, क्योंकि थिएटर एक्टर्स हैं, हमें खुद अपना प्रिपरेशन करना अच्छा लगता है। और मैं रोज पहुंचता था और पहली चीज मैं दो काम करता था। पहुंचते ही एक दफा कॉस्ट्यूम पहन ली और मैं सेट पे आया, सबसे पहले तो मैं जमीन में जाके जमीन खोदता था, अपने नाखून जो है वो गंदे करता था कि जो आदमी कुम्हार है उसके नाखून साफ नहीं हो सकते, उसके उसमें मिट्टी लगी होगी, कल की परसों की 10 साल पहले की मिट्टी लगी होगी। मैं पहले तो अपने मिट्टी लगाता था अपने हाथ पैर को, पैरों को भी नाखून वगैरह को भी मिट्टी लगाता था कि भाई पैर जो है, क्योंकि भाई हम लोग तो गांव वाले बने, हम लोग किसान बने, गरीब किसान बने, तो ये जूता चप्पल का इतना था नहीं भाई, नंगे पैर का मामला होता है। और मैं उस जमाने में एक और फिल्म कर रहा था शाहरुख खान साहब के साथ, उसमें विलन था 1-2 का 4। तो मुझे तो एक दिन हमारे एसोसिएट डायरेक्टर थे शशि वाडिया, एक दिन मैं लगान के सेट पे पहुंचा, देखा शशि वाडिया, मैं बोला शशि जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? सर आपको लेने आए। लेने आए? कहाँ लेने आए? कहाँ? सर वो शेड्यूल आ गया है बॉम्बे में। मैंने कहा भैया मेरे, मैं लगान शूट कर रहा हूँ, मैं कैसे यहां से निकलूंगा? कहते सर आमिर साहब को, आशु साहब को हम हाथ जोड़ लेंगे, चाहिए आप। मैंने कहा यार ये तो बड़ी तुम मुश्किल कर रहे हो यार, मैंने अपनी डेट्स इनको दी हुई है कि कोई रस्ते में कोई नहीं है, आप पूरे, मैं आपके साथ 6 महीने हूँ। कहते सर लेकिन अब हम हैं ना रस्ते में। मैंने कहा तुम बात करो भाई आमिर को, मैं मिलवा देता हूँ तुमको आमिर से। और आमिर भी जानता था शशि जी को, शशि जी पुराने चावल थे फिल्म इंडस्ट्री में, असिस्टेंट डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर टाइप बंदे थे वो, सुभाष घई साहब के भी एसोसिएट टाइप रह चुके थे। एनीवे आमिर को मिलवाया और आशु को मिलवाया। मैंने बोला भाई ये बंबई से बंदा आया मुझे ले जाने के लिए, तो आशु कहता है पर तेरी डेट्स तो हमारे पास है। मैंने कहा भाई मैंने इनको यही बोला है, अब आप बात कर लीजिए। तो आमिर रीजनेबल कहता है आपको कितने दिन के लिए चाहिए राज? कहते सर हमको देखिए ऐसा है, क्लाइमैक्स का सीन है शाहरुख का और इसका सीन है और ये एक दूसरे पे गोली चलाते ये करते वो करते, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमें एटलीस्ट 3 दिन तो चाहिए। तो आमिर आशु से पूछता है एक बात बता आशु, उस दिन शायद मंगल या बुधवार होगा। तो कहता है यार सैटरडे से तो अपन राधा कैसे ना जले शूट कर रहे हैं ना गाना। आशु बोलता है हाँ लेकिन गाने में भी तो राज है ना, स्माइल तो है गाने में। आमिर बोलता है एक काम कर यार हेल्प कर देते हैं अपन इनकी, जाने दे इसको, क्योंकि आई थिंक राज लूज आउट करेगा, वहां शाहरुख है वो क्लाइमेक्स का सीन है, अगर ये नहीं पहुंचता है तो फिर शायद सीन वो निकाल दे मूवी से, राज का यू नो विल सफर। तो जुच्ची, मुझे जुच्ची बोल, जुच्ची तुम जा सकते हो। शशि जी का चेहरा खिल गया। मेरा ये था कि यार मैं तो लगान के लिए मेरी डेट्स हैं, लेकिन आप कह रहे हैं चले जाओ तो वो भी मेरे फायदे की बात है क्योंकि वहां शाहरुख के साथ सीन है। तो खैर कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कुछ 3-4 दिन बंबई आ गया था और बंबई के इंडियन एक्टर्स जो है उनको एक 6-7 दिन जैसे मैंने बताया बीच में छुट्टी मिली थी, अगर अदरवाइज तो हम लोग वहीं थे। देखिए मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, जो हमारी मेकअप वाली लेडीज थी निकोल डीमर्स, वो फ्रेंच कनेडियन थी, वो जब आई आशुतोष ने हम सब एक्टर्स को ऐसे लाइन अप कर दिया और वो देख रही थी हमें मेकअप पॉइंट ऑफ व्यू से। जी नजर आके रुकी उनकी मुझ पे, कहती है मैंने देखा आशु को यूं मुड़ी और कान में फुसफुस किया। आशु ने मेरी तरफ देखा और कुछ ऐसे वैसे किया। मैंने कहा भाई ये तो मेरी बात हो रही है, मैं आशु को जानता हूँ, आशु मेरा यार है। तो बोला भाई आशु ये क्या तुम लोग फुसफुस कर रहे हो? नहीं वो निकोल बोल रही है कि तू तो बहुत गोरा है। मैंने कहा निकोल को बोलना जरा हीरो की तरफ देख ले, वो भी गोरा है। अब मुझे बड़ा बुरा लगा, साले मुझे बोल रहे हो आमिर को नहीं बोल रहे तुम लोग? तो कहते नहीं नहीं वो आमिर शी सेइंग हीरो इज आल्सो वेरी फेयर। तो मैंने कहा आशु फिर तू मेरा केस क्या ले रहा है यार कि तू बड़ा गोरा है यार ये वो। कहते नहीं देख जुच्ची एक बात समझ इधर आ। कहता भाई एक बात समझ ले, वो आमिर खान है वो हीरो है,
उसको लोग देखने आएंगे, लोगों को मालूम है वो गोरा भी है चिट्टा भी है, लोग उसको देखने आएंगे कि वो गांव वाला कैसा दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे बारे में सब जानते हैं कि तुम साले इंग्लिश टाइप हो, तुम साले गोरे चिट्टे हो, तुमको नहीं स्वीकार करेंगे गांव वाला। मैंने सुनी ये बात, ये बात मैंने चैलेंज उठा लिया, मैंने आशु को उसी वक्त बोल दिया, मैं इस तरह का मैं चैलेंज वैलेंज या मैं बड़बोला टाइप हूं नहीं, मेरा मूड ऑफ भी बड़े मुश्किल से होता है, मैं गुस्सा भी बड़े मुश्किल से आता है, लेकिन कभी कभी कोई बात आपको ठप करके लग जाती है, वो बात मुझे ठप करके लगी कि मेरे लिए मुश्किल होगा गांव वाला लगना। मैंने आशु को बोला, मैंने कहा ये बाकी ये 8-9 जो गांव वाव में भी रहे हैं ना, जितना ये गांव वाला लगेंगे ना उतना मैं लगूंगा। भाई साहब ये मत बोलो कि मैं गांव वाला नहीं लगूंगा, अब तुम देख लेना पिक्चर में जब तुम्हारी कंप्लीट होगी ना, तो तुम कभी ये एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि मैं गांव वाला नहीं लगूंगा। मैंने कहा ये मत सोचो कि मैं गांव में नहीं रहा हूं या मैं छोटे शहरों में नहीं रहा हूं, मैं छोटे शहरों का बच्चा हूं, मैं इंग्लिश इंग्लिश टाइप हूं, मैं क्या करूं, भगवान ने ऐसी शक्ल दी है और मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊं तो मेरी अंग्रेजी बिल्कुल तुर्रम खान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे गांव में क्या होता है हिंदुस्तान के मुझे नहीं मालूम। भाई साहब मैं छोटी जगहों में बहुत रहा हूं, मैं बड़ा हुआ हूं छोटी जगहों में, छोटी जगह मेरी ज्यादा अपनी है, ये बड़ा शहर तो अभी आए हम या दिल्ली में रहे हैं थोड़ा बहुत, मैं छोटे शहरों में भाई साहब बहुत रहा हूं। और मैंने कहा यार वो छोटे शहरों में जो हम रहे हैं, जो हमने पिकअप किया है कि हमारा गांव खेड़ा कैसा होता है, क्या हम अनजान थोड़ी है उसको लेके, हम इतने बम्बैया नहीं हो गए कि हमें नहीं मालूम कि भाई गांव खेड़े में क्या होता है। मैंने कहा अब तूने ये बात बोल दी, अब मेरी भी सुन ले। मैंने सुना दी उसको ये बात, उसको थोड़ी सी लगी कि भाई ज्यादा बोल गया, लेकिन क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं तो उसने वैसा रिएक्शन नहीं दिया। और मैंने तो समीर ये गांठ बांध ली कि भाई अगर अगर यशपाल हरियाणा वाला है और लगेगा गांव वाला तो मैं भी लगूंगा, अगर अखिल मिश्रा लगेगा तो मैं भी लगूंगा, मेरे को आप अलग नहीं कर सकते कि नहीं ये थोड़ा सा इंग्लिश लगता है। नहीं अब आप पिक्चर देखिए सर, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको कभी ये नहीं लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप परफेक्ट किरदार में नजर आते हैं, कहीं पर भी जो एक शंका की गई थी कि ये इनका रंग हो रहा है या ये कैरेक्टर में फिट नहीं लगेंगे, ऐसा 1% भी नहीं लगता। खैर अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अभी जैसे कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये शो है, तो अभी जैसे कि नए सारे फिल्मकार आ रहे हैं, आप अभी जैसे लास्ट बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ तो उसमें आपने शिरकत भी की थी और दादा लक्ष्मी फिल्म भी आपने देखी उस दौरान, तो क्या कहना चाहेंगे, नए फिल्मकारों को एक मौका मिल रहा है अपनी फिल्मों को अच्छे दर्शकों तक पहुंचाने का, तो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे जब 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 मुझे यशपाल ने शुरू में ही बताया कि भाई मैं इस तरह से एक मैं इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ कि खाली एज एन एक्टर नहीं, हम सब में इतना कुछ है, मैं चाह रहा हूँ कि यार कुछ इस तरह का हम प्लेटफॉर्म बनाए कि हम बढ़िया फिल्में जो है ना, देखिए एक प्रॉब्लम रहा है बॉलीवुड में हमेशा से कि हमारे शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ जब OTT इतना नहीं आया था, कि हमारी जो छोटी फिल्में हैं उसमें हम मुन्ने से बजट में बड़ी कठिनाई के साथ बड़ी कटौतियां करके हम एक फिल्म बनाते हैं, वो फिल्म तैयार हो जाती है, हम लोग खरे उतरते हैं कि 1.5-2 करोड़ में हमने एक पिक्चर छोटी सी बना ली बगैर खर्चा बहुत ज्यादा किए, हम लोग बड़े अपने आप को खुश समझते हैं कि भाई ये कर लिया तुमने। लेकिन समीर प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम उसे रिलीज करने जाते हैं वो दुनिया बड़ी कठोर है, वो दुनिया में पैसा लगता है, एडवर्टाइज में पैसा लगता है, मीडिया में पैसा लगता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई माफ करना हम कुछ नहीं कर सकते, अपने रिश्तेदारियां सभी की होती है, थोड़ा बहुत लोग मदद कर देते हैं, लेकिन जब हम रिलीज करने पे आते हैं तब हमें मोटा धन चाहिए। और जो हम छोटे फिल्म मेकर्स हैं, जो हम छोटा सिनेमा बढ़िया सिनेमा में काम करना चाहते हैं, हमारा यही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है, हमारे पास एग्जीक्यूशन की एग्जीक्यूशन थोड़ा बहुत हमारा रुक जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन निर्भर है जेब में अंटी में पैसे कितने, अगर अंटी में पैसे ज्यादा है तो 60 फुट की क्रेन अकेला क्रेन भी आएगी, अगर अंटी में पैसे ज्यादा नहीं है तो अपन जिमी जिप के आम से काम चला लेंगे, हमारा ये होता है, हम अपने सपनों को काटते हैं हमारे बजट के हिसाब से, ठीक
ठीक है, मेन बात यह कि बजट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छी फिल्में हैं, जो अच्छे आइडियाज हैं, वो आज भी कम बजट्स में नहीं बन रही हैं। लेकिन जैसे आपने BIFF की बात की, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात की, तो मैं यशपाल और ऐसे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं दिल से कि वो प्लेटफॉर्म्स लेके आते हैं जहां पे डायरेक्टर्स जिनकी माली हालत ऐसी कमाल की नहीं है, जो अपने फिल्म्स को वहां पे दर्शा सकते हैं। देखिए, फिल्म डायरेक्टर को केवल एक चीज चाहिए कि पूरी दुनिया का हर शख्स उसकी फिल्म देखे। मैं आशु को यही बोलता था, मैंने कहा आशु तुम्हारी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि तुमने एक फिल्म बनाई लगान, जो एज ए डायरेक्टर आपकी ख्वाहिश होती है कि इस दुनिया पे जो जो सांस ले रहा है वो सब आदमी मेरी फिल्म देखे, चाहे वो अमेरिकन हो, रूसी हो, फ्रेंच हो, कुछ भी। मैंने कहा देखो तुमने फिल्म बनाई लगान, उसको वो मौका मिल गया। खैर, कहने का मेरा मतलब ये है जी कि ये जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो छोटे फिल्म मेकर्स हैं उनके दिल को कितना सुकून मिलता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, जहां पे फिल्म्स दिखाई जा सकती हैं और जहां पे दर्शक आते हैं वो फिल्म देखने। ये एस्टेब्लिश हो गया, अभी फिल्म फेस्टिवल जो है वो चल रहा है, बाकायदा लोग उसके बारे में बात करते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि उनकी भी वो भी वहां पे आए, वो भी अपनी फिल्म लेके जाए। तो जो आपने सवाल पूछा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हम सराहते हैं भाई, ये सर आंखों पे है ऐसे प्लेटफॉर्म कि लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेके आए, सो दैट जो छोटा सिनेमा है, जो सिनेमा दिल से बना है पैसे से नहीं, वो वहां पे शोकेस हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन डायरेक्टर्स को भी लगे, जब उनको बुलाया जाता है स्टेज के ऊपर तो उनको लगता है कि हाँ भाई हमें भी वही इज्जत मिल रही है जो बड़े डायरेक्टर्स को मिलती है बड़े फेस्टिवल्स के। तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, यशपाल, प्रतिभा और जितने भी लोग आप लोग जुड़े हैं, ये कमाल का काम है, बहुत बढ़िया काम है। ये भगवान का काम है भाई, ये भगवान का काम है छोटे लोगों की बढ़िया फिल्म की मदद करना जी। तो सर अभी अभी हमें आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि करीब करीब 1.5 घंटा कब निकल गया, इतना मजा आया आपके साथ बात। बहुत बात करता हूँ भैया ये जी सर, हाँ, पूरे सेशन के दौरान आपके साथ बहुत सारी बातें करने का मौका मिला आपकी लाइफ में, बहुत सारा मुझे भी जानने का मौका मिला और हमारे दर्शकों को भी जानने का मौका मिला। इट वॉज रियली अ वंडरफुल सेशन, आई होप कि आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। बहुत एंजॉय किया मैंने, क्योंकि आपने सवाल बड़े बढ़िया पूछे, ऐसे सवाल पूछे जो मेरे दिल से जुड़े हुए हैं और जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। हम भी आपसे बात करना चाह रहे थे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाई हम कहाँ से आते हैं, हम क्या ख्याल लेके आते हैं और हम क्या ख्याल लोगों को प्रदान करते हैं। वो पूरा जो एक इंटरेक्शन है वो आप लोग के द्वारा पॉसिबल हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई होप जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी कुछ वैल्यूबल मिला। और केवल ये नहीं कि एक एक्टर ने अपनी जर्नी बताई, लेकिन उस जर्नी के दौरान कुछ ऐसे थॉट्स का भी आदान प्रदान हुआ जो आपको भी रेलेवेंट है आपके जीवन में। मेरा सबसे जरूरी सोचना यही होता है कि भाई हम कहीं भी बोले, बात करें, तो वो जो सुनने वाला है ही शुड टेक और शी शुड टेक कुछ घर वो भी ले जाए अपने साथ, कुछ विचार ऐसे हो जिसपे वो भी सोच विचार करें। ठीक है, थैंक यू। इस सेशन के थ्रू मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला सर, और तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया मेरे, थैंक यू यशपाल, थैंक यू प्रतिभा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया समीर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राजुत्सी जी, उनसे बात करके वाकई में बहुत मजा आया और उसी के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो दोस्तों अगर आप भी फिल्मकार हैं, आप भी एक्टर हैं, आप भी डायरेक्टर हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी फिल्मों को सही दर्शक मिले, सही जगह पर वो आपकी फिल्में दिखाई जाएं, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है आपकी फिल्मों को दिखाने का। आप अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए कुछ खास लोगों का खास योगदान रहा है, जैसे कि मैंने इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बताया था, जो
और हमारे स्पॉन्सर्स हैं पहल फाउंडेशन, यस विद्या फिल्म्स, फाइन ग्रेन फिल्म्स, फिल्म प्रीवे, फास्ट होम, WFCN, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा, अगले हफ्ते यानी कि अगले सेशन में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार, शुक्रिया।